बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिच हाइकिंग क्रॉस द सहारा सेकंड हीरो हम रीड कर रहे हैं, तो ये डेट लगी हुई है, कल हमने यहाँ तक रीडिंग की थी, आज इसको कंटिन्यू करेंगे। द ड्राइवर एडेड टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द जर्नी, ड्राइवर ने एडेड इजाफा कर दिया टू द डिस्कम्फर्ट बेसकूनी में ऑफ द जर्नी सफ़र के बाय रिलेटिंग डिटेल्स, रिलेटिंग सुना कर डिटेल्स तफसील ऑफ ए रिसेंट केस, रिसेंट का मतलब है हालिया, एक हालिया केस की इन विच थ्री इंग्लिश पीपल, जिसमें तीन अंग्रेज़ों ने हैड अटेम्प्टेड कोशिश की थी टू क्रॉस ए पार्ट ऑफ द डेजर्ट, सहरा के एक हिस्से को पार करने की इन एक कार में विद ओनली वन डेज वाटर सप्लाई, और उनके पास सिर्फ एक दिन का पानी था। देयर कार हैड बिकम स्टक, उनकी गाड़ी स्टक का मतलब है फंस जाना, उनकी गाड़ी फंस गई, स्टक का मतलब फंस गई यानी कॉट इन अ सैंड ड्यून, रेत के टीले में उनकी गाड़ी फंस गई। एंड थ्री डेज लेटर, तीन दिन बाद देयर बॉडीज़ वर फाउंड, उनकी लाशें मिली ड्राइड अप लाइक लीव्स, खुश्क पत्तों की तरह, यानी उनकी लाशें खुश्क पत्तों की तरह हो चुकी थी तीन दिन बाद जब वो मिली। दे हैड ड्रेन्ड द रेडिएटर, उन्होंने रेडिएटर का पानी पिया इन देयर डेस्परेट थर्स्ट, अपनी इस जानलेवा प्यास में। एंड वन ऑफ देम ट्राइड, और उनमें से एक ने ट्राइड कोशिश की टू ड्रेन पीने की द ऑयल फ्रॉम द क्रैंक केस से ऑयल भी, गाड़ी में पानी डालते हैं ना, तो उन्होंने वो पानी भी पीने की कोशिश की और एक ने तो तेल भी पीने की कोशिश की। हैंड आउट हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी, हैंड आउट यानी जो ट्रक का ड्राइवर था वो सर्च पार्टी में था, यानी वो उस तलाश करने वाली पार्टी में था जिनको ये लाशें मिली थी। एंड ही स्पेयर्ड हिज लिसनर्स नन ऑफ द ग्रिम डिटेल्स, और उसने स्पेयर्ड माफ़ नहीं किया हिज लिसनर अपने सुनने वाले को नन ऑफ द ग्रिम डिटेल, छोटी से छोटी ग्रिम खौफनाक तफसील से भी, यानी छोटी से छोटी खौफनाक तफसील भी उसने सुनने वाले को सुनाई, यानी कि क्रिस्टोफर को। द स्टोरी केम विवर्डली टू क्रिस्टोफर माइंड, और ये कहानी बिल्कुल वाजे होकर विवर्डली का मतलब क्लियरली क्रिस्टोफर के माइंड में आ गई। ऑन द सेकेंड मॉर्निंग, अगली सुबह द ग्रीसर अनाउंस, ग्रीसर ने ऐलान किया दैट वन ऑफ द टू गॉड स्किन बैग्स, के वो बकरी की खाल के दो थैलों में से एक थैला, यानी जो मश्क होती है ना जिसमें पानी डालते हैं मशकीज़ा, और वाटर हैड बस्ट, फट गया था ड्यूरिंग द नाइट, रात को, यानी उनके पास दो ही मशकीज़े थे उनमें से रात को एक फट गया था। इवन इफ़ एवरी थिंग वेंट वेल, अगर सब कुछ सही भी रहा द रेस्ट ऑफ द जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट, तो बाकी का सफ़र खुशगवार रहने वाला नहीं था। एंड आउट पोस्ट विद अ वाटर सप्लाई, आउट पोस्ट का मतलब होता है चौकी, जो पुलिस या फौज की चौकी होती है उसको आउट पोस्ट कहते हैं। विद अ वाटर सप्लाई, जिसमें वाटर सप्लाई थी, वाज फाउंड ऑन वन ऑफ क्रिस्टोफर मैप्स, क्रिस्टोफर को अपने नक्शे पर मिली, यानी उसे अपने नक्शे पर एक चौकी मिली जिसमें के पानी की सप्लाई थी। एंड दे सेट ऑफ टुवर्ड इट, और वो इसकी तरफ रवाना हो गए। बाय डॉन, डॉन कहते हैं सुबह सवेरे को, सुबह सवेरे दे हैड गॉन 50 miles, यानी सुबह सवेरे तक उन्होंने 50 mile का सफ़र तय कर लिया। चूँकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती इसलिए वो रात को सफ़र करते थे। एंड डग आउट 5 more sand dunes, और रेत के मज़ीद 5 जो कुएँ थे वो उन्होंने खोद डाले, रेत के टीले खोद डाले। क्रिस्टोफर वाज सिक विथ थर्स्ट, क्रिस्टोफर सिक था, बीमार था थर्स्ट प्यास की वजह से। एंड टू ऐड टू हिज मिजरी, और उसकी मुसीबत में इजाफा हो गया, ही हैड जम्प्ड बेयर फुटेड, उसने नंगे पांव छलांग लगा दी फ्रॉम द ड्राइवर कैबन, ड्राइवर के कैबन से, ऑन वन ओकेजन एक मौके पर, नॉट रियलाइजिंग, ये ना एहसास करते हुए द इंटेंस हीट ऑफ द सैंड, के रेत कितनी इंटेंस हीट है, कितनी शदीद गर्म है, ये एहसास ना करते हुए उसने ड्राइवर के कैबिन से रेत पर छलांग लगा दी। इट वाज एज इफ, ये ऐसे ही था, ही हैड जम्प्ड इनटू अ बेड ऑफ हॉट कोल्स, कि उसने छलांग लगा दी हो एक बेड ऑफ हॉट कोल्स, गर्म कोयलों के बिस्तर पर। विद अ स्क्रीम ऑफ पेन, स्क्रीम चीख, पेन तकलीफ, तकलीफ दर्द की चीख के साथ, ही हॉप बैक इनटू द ट्रक, हॉप बैक का मतलब जम्प्ड बैक, उसने वापस ट्रक में छलांग लगा दी। मीनवाइल हिज थर्स्ट ग्रू फियरसेस, इसी दौरान उसकी जो प्यास थी ग्रू फियरसेस, वो और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। एवरीथिंग वाज डेड एंड ड्राई एंड हॉट, हर चीज़ मुर्दा खुश्क और गर्म थी। माई माइंड वाज फॉगी,
मेरा जो दिमाग था वो फॉगी था। फॉगी का मतलब ब्लर्ड, डिजी, यानी क्लियर नहीं था। आई वॉज ऑन फायर, मुझे जिस तरह से आग लगी हुई थी। द इनसाइड ऑफ माई हेड फेल्ट ड्राइड अप, मेरे अंदर का हिस्सा ड्राइड अप, खुश्क लग रहा था। एंड माई लंग्स हर्ट, और मेरे फेफड़े हर्ट होते थे, इनको तकलीफ़ पहुँचती थी फ्रॉम द हॉट एयर, गर्म हवा से, यानी जब वो सांस के ज़रिए गर्म हवा उसको उसके अंदर जाती थी तो ऐसा लगता था कि उसके फेफड़ों को तकलीफ़ पहुँचती थी। देर वर टाइम्स, कुछ ऐसे वक्त भी आए, मैंने ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट, जब मैंने ट्राइड कोशिश की कि अपने आप को फेंट कर लूँ, बेहोश, सेंसलेस। बट माई हेड वॉज पाउंडिंग, लेकिन मेरा सर पाउंडिंग बज रहा था, बीटिंग विद सच अ पेन, इतनी दर्द के साथ, दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, कि इसने मुझे कॉन्शियस रखा, होश में रखा। द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड, वो चौकी तलाश कर ली गई एट लास्ट, आखिरकार, एंड इट कंटेन्ड अ वेल, और इसमें एक कुआं था फुल ऑफ कूल वाटर, ठंडे पानी से भरा हुआ। दे ड्रैंक अनटिल दे कुड ड्रिंक नो मोर, और उन्होंने इतना पानी पिया कि अब वो मजीद पानी नहीं पी सकते थे। दे सडनली नीडेड इट, और यकीनन उनको इसकी ज़रूरत थी। द हीट वॉज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन, गर्मी नाकाबिले यकीन थी। इन द शेड ऑफ द मड हाउस, कच्चे मकान के साए में, द टेम्परेचर रीच्ड 130 फारेनहाइट, टेम्परेचर 130 पर था, वाइल जबकि आउट ऑन द सैंड, बाहर रेत पर, द थर्मामीटर रजिस्टर्ड 165 फारेनहाइट, थर्मामीटर पर 165 फारेनहाइट रजिस्टर्ड हुआ, विच इज़ नियरली 30 डिग्री हायर, जो कि तकरीबन 30 डिग्री ज़्यादा है दैन द हाइस्ट टेम्परेचर ऑफिशली रिकॉर्डेड, वो उस टेम्परेचर से जो कभी भी सरकारी तौर पर रिकॉर्ड किया गया, ये उससे 30 डिग्री ज़्यादा है। एलगोलिया, 100 माइल ऑन एलगोले, जो कि एलगोली, एलगोलिया भी कहते हैं, जो कि मजीद 100 मील आगे था, वाज रीच्ड, वो वहाँ तक हम पहुँच गए, विदाउट फर्दर मिसहैप, बगैर किसी फर्दर मजीद मिसहैप के, यानी बुरे इत्तेफाक से, मिस एडवेंचर के बगैर हम वहाँ पहुँच गए। इट वाज ए फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, ये एक दिलकश छोटा सा कस्बा था। अ ट्रू ऑसिस, एक हकीकी नखलिस्तान, नखलिस्तान का मतलब होता है फर्टाइल स्पॉट, यानी रेत ही रेत होती है जब सहरा में, तो उसके अंदर एक छोटा सा जरखेज़ टुकड़ा हो जहाँ पे पानी हो, दरख्त हो, घास हो, तो उसको कहते हैं एक ऑसिस। तो ये एक हकीकी ऑसिस था, विद सो मच वाटर अवेलेबल, और वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था, दैट दे हार्डली न्यू वट टू डू विद इट, कि वो नहीं जानते थे कि इतने पानी का वो क्या करें। एवरी डे ऑफ द वीक, हफ्ते के हर दिन, दैट ही वॉज देर, जितनी देर वो वहाँ रहा, क्रिस्टोफर स्पेंट आवर्स, क्रिस्टोफर कई घंटे गुजारता बेदिंग, नहाते हुए, इन अ लिटल पूल, एक छोटे से तालाब में, हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के दरमियान से तकरीबन हाफ किलोमीटर दूर था, शेडेड बाई पाम ट्रीज, और जिस पर खजूर के दरख्तों का साया था, एंड फ्रूट ट्रीज, और दूसरे फलों के दरख्तों का, और लाइंग ऑन द कूल ग्रास, या वो ठंडी घास पर लेटा रहता, बिसाइड द पूल, उस पानी के तालाब के करीब, वॉचिंग द बर्ड्स, परिंदों को देखता रहता, फीस्टिंग, दावत उड़ाते, ट्रीटिंग ऑन द डेट्स, खजूरों पर, खजूरों की दावत उड़ाते हुए परिंदों को वो देखता रहता। वट अ कंट्रास्ट फ्राम द डेजर्ट ऑल अराउंड इट, ये कितना बड़ा कंट्रास्ट था, ऑपोजिट था, इर्द गिर्द डेजर्ट के, यानी आसपास सहरा था, गर्म रेत थी, और ये इलाका बिल्कुल उसके उलट था। द जर्नी फ्राम एलगोली टू इंसाले, इन एलगोली से इंसाले तक का सफ़र, वॉज नॉट विदाउट इट्स एक्साइटमेंट, अपने एक्साइटमेंट के बगैर, जोशो खरोश के बगैर नहीं था। इट वॉज मेड इन अ हैवी ट्रक, ये एक भारी ट्रक में किया गया, कैरिंग 10 टन्स ऑफ एमिनेशन, जो कि 10 टन, एमिनेशन का मतलब गोला बारूद, बुलेट्स वगैरह, ड्रिवन बाय अ पर्टिकुलरली एबल, जिसको ड्राइव कर रहा था ख़ास तौर पर एक काबिल एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर और तजर्बा कार ड्राइवर, हु मेड हिज वे अक्रॉस द अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, जिसने अपना रास्ता बनाया बज़ाहर बेरास्ता सहरा में, वाज़े सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट अमेजमेंट, और ये एक ज़रिया था मुसलसल हैरानगी का, तो क्रिस्टोफर के लिए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, अगले रोज़, क्रिस्टोफर सफ़र्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंसिस, क्रिस्टोफर का सामना हुआ अपने जो बदतरीन तजर्बात में से एक के साथ। बहमन अशोर्ड हिम, बहमन ने उसे यकीन दिलाया, दैट इट वुड बी अ गुड थिंग,
कि अच्छी चीज़ होगी टू मिक्स अ लिटल वाइन विद हिज वाटर, अगर वो पानी के साथ थोड़ी शराब मिक्स कर ले। क्रिस्टोफर वाज डाउटफुल, क्रिस्टोफर को शक था बट ही रिस्क इट, लेकिन उसने ये ख़तरा मोल ले लिया। द रिजल्ट वाज डिजास्ट्रस, नतीजा तबाहकुन था। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की गर्मी में देवर लाइंग, वो लेटे हुए थे इन द शेड ऑफ ए ट्रक के साए में लेटे हुए थे। द टू अरेबियन स्लीप, वो दोनों अरब सोए हुए थे। अरेबियन कौन थे, यानी ट्रक का ड्राइवर और उसका ग्रीसर। वांटिंग समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स केबन, ड्राइवर के केबन से कुछ लेने के लिए ही गॉट अप, उठा टू गेट इट, इस पर चढ़ने के लिए। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप, जब वो ट्रक के ऊपर चढ़ रहा था, ही वॉज सडनली ओवरकेम, तो अचानक उस पर गालब आ गया, ओवरकम गालब आ गया बाय अ स्ट्रेंज सिकनेस, एक अजीब किस्म की कमजोरी या बीमारी उस पर गालब आ गई। हिज हेड स्टार्टेड टू पाउंड, उसके सर, पाउंड का मतलब बीट, बजना शुरू हो गया। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली, और उसने खुद को शिवरिंग, कांपते हुए, शेकिंग, वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब बड़ी शिद्दत के साथ कांपते हुए पाया। ही न्यू, वो जानता था, ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स, कि वो बेहोश होने वाला था। सो कोलैप्स का मतलब बेहोश होना, ब्लैकआउट होना, सेंसलेस होना। सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट, लिहाजा उसने पूरी कोशिश की टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड, ब्लेजिंग का मतलब जलती हुई, बर्निंग, स्कॉर्चिंग, कि वो जलती हुई रेत पर ना गिरे। उसने कोशिश की, हिज फॉल, उसके गिरना, एज ही ब्लैक्ड आउट, जो ही वो बेहोश हुआ तो उसका गिरना, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से वोक द अदर टू, दूसरे दो को जगा दिया, यानी खुशकिस्मती से जब वो बेहोश होकर गिरा तो उसके गिरने की आवाज़ ने बाकी दो लोग, कौन थे, ड्राइवर और ग्रीसर, उनको उठा दिया, जगा दिया। एंड दे ड्रैग्ड हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड, और वो उसको घसीट कर मुकम्मल तौर पर साए में ले आए। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल ना पाया। हिज टू कंपेनियंस टुक ऑफ देयर टर्बन्स, उसके दो साथियों ने अपनी पगड़ियाँ उतारी। एंड पोर्ड वाटर ऑन देम, उन पर पानी डाला। यूजिंग देम टू रब हिज बॉडी, और उन पगड़ियों के साथ इसकी बॉडी को रब किया, यानी उन पगड़ियों के साथ इसकी बॉडी पर मसाज किया, जेंटली इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन, उसका टेम्परेचर कम रखने के लिए। जैसे बुखार ज़्यादा हो तो माथे पर ठंडी पट्टियाँ की जाती हैं टेम्परेचर कम करने के लिए, कम रखने के लिए। व्हेन ही रिकवर्ड, जब हिज सेंसेस, रिकवर्ड हिज सेंसेस, होश में आया, जब वो होश में आया, दे गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड ड्रिंक, तो जितना पानी पी सकता था उन्होंने उसको उतना पानी दिया। ठीक है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कोई बात ना समझ आई तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।